हेलो फ्रेंड्स, देखिए माता रानी की हम सुंदर सी पोशाक बनाएंगे। उसके लिए मैंने 3-4 कलर ले रखे हैं। आपके पास बची हुई ऊन होगी, आप वो रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने पट्टी तैयार की है। मैंने 16 चैन ली थी। 16 चैन में मैंने एक एक इस तरह अपने सिंगल क्रोशिया भर लिया उसमें। ठीक है, 16 चैन लेने के बाद मेरे पास इतनी चौड़ाई आई है। देखिए आप चौड़ाई देख के रख लीजिएगा, ये 11 इंच के करीब है चौड़ाई। ठीक है, 11 से थोड़ा सा फालतू ही है ये, जब हम बनाएंगे डिज़ाइन तो पूरी 11 रह जाएगी। ये 16 चैन है, 60 चैन डाल के मैंने हर चैन में एक एक बार अपना सिंगल क्रोशिया डाला है, ये डबल क्रोशिया। अब देखिएगा इस तरफ से मैं अपना सेकंड कलर लूँगी, कोई भी कलर लीजिए आप, पहले ही ले लीजिए। एक रो तैयार करने के बाद इसमें नोट लगा के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने नोट लगा लिया है। अब मैं एक चैन लूँगी नोट लगाने के बाद, वाइट धागे के से खींच लेंगे, और ये 2 चैन। ठीक है, ये धागा हम आगे पीछे कर लेंगे। ये 2 चैन ले ली है मैंने। अब ऐसे धागा घुमा के इसके पहले के ऊपर ही डालेंगे हम ये एक डबल क्रोशिया, उसके अगले वाले में ये 2, फिर उसके अगले वाले में 3, और ये 4। देखिए मेरे 4 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब देखिएगा ऐसे ऊपर धागा रख के 1 2 3 4 छोड़ के हम पांचवें में जाएंगे अपने पांचवें होल में। 1 2 3 4 छोड़े हैं मैंने, 1 2 3 4, ये पांचवा है मेरा। इसमें अपने ऐसे थोड़ा सा खींच के धागे को ऐसे बनाएंगे एक बार, ये उसी होल में 2 बार, फिर उसी होल में 3 बार, फिर उसी होल में 4 बार डबल क्रोशिया, ये पांचवा डबल क्रोशिया, और ये 6 बार, ये 7, ये 8, और एक और ये 9। ठीक है, मैंने एक होल में 9 निकाले हैं, 4 मैंने बीच में स्किप किए हैं। ठीक है, स्किप करने के बाद मैंने ये 9 निकाले हैं। उसके बाद देखिएगा ऐसे धागा ऊपर रखेंगे, 1 2 3 4 स्किप करेंगे, और ये पांचवी में हम अपना फिर यही बनाएंगे। ऐसे खींच के धागा, 1, ये 2, ये 3 4, ये 5, और ये 6 7 8, और ये 9। ठीक है, मैंने एक में 9 निकालने हैं। दोबारा फिर धागा ऊपर रखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 स्किप करके हम पांचवी में अपने फिर 9 बनाएंगे। इसी तरह मैं लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 4 स्किप करनी है हमें, पांचवी में अपना ये डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वाला ये बनाया है। अभी इसके बीच हम क्या करेंगे, उसी तरह बनाएंगे लास्ट में, 1 2 3 4 5 छोड़ के लास्ट वाले हम 4 सिंपल डाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमने शुरू में सिंपल डाले हैं, ये देखिए ऐसे बिल्कुल ऐसे लास्ट में हमने ऐसे 4 डाल लेने हैं। लास्ट में 4 डाली जाए, आप 5 आते तो 5 डाल लीजिए। अगर एक बढ़ाना पड़ जाए आपको तो बढ़ा भी लीजिएगा। ठीक है, 4 है मेरे, एक ऐसे ही बढ़ा लेती हूँ मैं, 5 कर लेती हूँ। और वापस इस तरफ ऐसे ही मुड़ेंगे, 1 2 जंजीरी लेंगे, 5 के ऊपर हम 5 बनाएंगे ऐसे। और ये 4। ठीक है, 2 4 5 बन गई मेरे। देखिए हमने 5 डाल लिए ऐसे। अब ऐसे धागा रख के हम सबसे पहले वाला छोड़ देंगे, नहीं इसके बीच में डाल लेते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा ऊपर निकल के ऐसे खींचेंगे इसको एक बार, उसके अगले वाले में ऐसे बना के इसको आधा, 2 ही निकाले हमें, तीसरा में ऐसे रखना है। उसके अगले वाले में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर खींच के ये 2 निकाल देंगे ऐसे। देखिए सभी को हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे, पहले वाले 2 निकाल देंगे ऐसे क्रोशी में रखा रखेंगे, जितने भी हमारे 9 हैं हम ऊपर से 7 उठाएंगे, साइड वाला एक एक छोड़ देंगे,
बस हमें दो निकालने हैं, एक क्रोशे में रखना है। ये देखिए हमारे तीन हो जाते हैं, इसमें से दो ही निकालेंगे। ये देखिए हमें इतने इकट्ठे इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास ये सभी। अब इन सभी को इकट्ठा निकालेंगे, ऐसे निकाल के ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा ऐसे पफसा बन गया। अब एक जंजीरी लेंगे हम, यहाँ बीच में हम दो पफ के बीच में हम यहाँ पे जोड़ेंगे अपने क्रोशिया हुक को एक बार, बीच में दो जंजीरी लेंगे और वहीं पे दोबारा फिर निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे हमें वी बनानी है बीच में। अब एक जंजीरी लेंगे, ये पहले वाला छोड़ देंगे, उसके अगले वाले में ऐसे डाल के ऐसे रख लेंगे क्रोशी में एक बार, ऐसे धागा ऊपर करेंगे। ये हमारे तीन फंदे बन जाते हैं, तीन में से हमें दो निकालने हैं। ऐसे दोबारा देखिए, इसे सिर्फ दो निकालने हैं, तीसरा हमारे क्रोशी में इकट्ठा होता जाएगा। हम इनको कंप्लीट नहीं करेंगे, एक एक बार निकाल के क्रोशी में रखते जाएंगे। देखिए ऐसे, बस एक लास्ट वाला नहीं हमें बनाना। ये देखिए इस तरह, बाकी सभी ऐसे बना के इकट्ठा निकालेंगे। ऐसे एक बार ऐसे बना के इसको एक जंजीरी ले लेंगे। ठीक है, अब जो बीच दोनों के बीच हमारी जगह है उसके बीच जाके हम अपनी वी बनाएंगे एक बार, बीच में दो जंजीरी, वहीं पे हम दोबारा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक जंजीरी लेंगे। अब एक हमें छोड़ना है पहले वाला, उसके अगले वाले में ऐसे आधा बनाना है हमें एक बार। देखिए दो हो गए हमारे क्रोशे में, धागा लपेटेंगे, ये आधा बनाएंगे एक क्रोशे में रख लेंगे, दोबारा बनाएंगे आधा बना के क्रोशे में रखते जाएंगे। इकट्ठा करना है हमें अपने क्रोशे में सभी को। हमारे ये सात बार निकल जाते हैं, नौ है हमारे नीचे, साइड में से एक एक छोड़ना है हमें। ये देखिए सभी इकट्ठे हो गए। अब इन सभी को हम ऐसे निकाल देंगे और एक बार ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद एक जंजीरी लेंगे, आगे जाएंगे, इस होल में अपनी वी बनाएंगे एक बार, दो जंजीरी, और वहीं पे हम दोबारा बनाएंगे ये दो बार। एक जंजीरी लेके हम फिर इसके ऊपर ऐसे बनाएंगे। जितने हमारे ये पफ बने हैं उन सभी को हम ऐसे बनाएंगे, पहला छोड़ के दूसरे में डालेंगे एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, और ये चार, और ये पांच, ये छः, आधा आधा ही निकाल रहे हैं हम, पूरा निकाल रहे हैं, और ये सात। देखिए सभी हमारे इस तरह क्रोशे में इकट्ठे हो गए। अब सभी को इकट्ठा निकाल के बंद करके एक जंजीरी बनाएंगे, आगे जाएंगे, इन दोनों के बीच में बनाना है हमें दो जंजीरी, दोबारा फिर वहीं पे फिर एक जंजीरी, और दोबारा हम फिर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे एक छोड़ के अगले वाले पे। देखिए हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बन रहा है, हमारे ये बबल से बन गए हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए हमने सबसे लास्ट वाला बना लिया है। अब एक जंजीरी लेके अब हम अपनी हुप एक यहाँ पे बनाएंगे। अगर हम ऐसे जोड़ देंगे, देखिए शुरू में हमने ऐसे ही जोड़ दी है, आप चाहें तो शुरू में भी एक यहाँ बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। फिर मैंने शुरू में छोड़ के यहाँ पे बना लेती हूँ, उसी तरह बनाएंगे। दो जंजीरी लेंगे बीच में, दोबारा फिर वहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, एक जंजीरी लेके ये चार के ऊपर मैं, एक दो तीन चार पाँच है मेरी इस तरफ, पाँच के ऊपर पाँच बना के मैं अपना कलर चेंज करूँगी। आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं। ठीक है, ये पाँच के ऊपर पाँच बना के मैं इस कलर को कट करके, दो चार, ये पाँच बन गए हैं मेरे। यहाँ पे मैं अपना अपना थर्ड कलर लगा लूँगी, जो भी हम लगाएंगे अगला कलर। ठीक है, लगा के देखिए हम इसके बाद अपना वाइट कलर ही ऊपर ले आते हैं। इसको ऐसे रख लीजिए, दो चैन, और पाँच के ऊपर मैं इसी तरह पाँच निकालूँगी, दो, ये तीन, और ये चार, ये पाँच। ठीक है, आप साइड में तीन तीन भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं, हम ऊपर चले गए हैं इसके।
यहीं पे निकाल लेते हैं, पांच करेंगे अपने पूरे। अब देखिएगा ये जो हमने वी बनाई है इसके बीच में हम अपने दोबारा फिर वही नौ के नौ निकालेंगे। एक दो, ये फर्स्ट रो हमारी चल पड़ी है दोबारा। तीन चार पाँच, ये छः सात, ये आठ और ये नौ। हमने सबसे पहली वाली रो ऐसी बनाई थी, एक होल में हमने नौ बनाए थे। अब देखिएगा, अब ये तो हमारा डिज़ाइन है, उसके अगले वाली वी है जो हमारी ये वाली, इसके बीच हम ये देखिए हमारा इस उभरा हुआ इस तरफ आ जाएगा। अगली वी के पास हम फिर नौ बनाएंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, इसी तरह नौ बनाएंगे। एक ये दो तीन चार पाँच छः और ये सात आठ और ये नौ। ठीक है, मैंने नौ बना ली हैं। अब जो अगली वाली भी हैं उसके बीच में भरेंगे। ठीक है, हमारा इतना गैप आता जाएगा। अब ऐसे ऊपर धा करके यहाँ पे मैं नौ बनाऊँगी। ये पूरी रो मैं इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फिर इस वी में बनाएंगे, नेक्स्ट में जो बीच में हमने वी बनाई है उसमें हम बनाते जाएंगे। ठीक है, ये जो हमने वी बनाई है इसे इसमें बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नौ 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 निकालेंगे एक वी में। देखिए हमने सभी के ऊपर निकाल ली हैं, लास्ट में हमारी एक वी और आनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं बनाई। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक वी बना के यहाँ सेम हमारा जैसे ये भरा है लास्ट में वैसे ही भर जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको, जो जैसे हमारे शुरू में पांच थे पांच के ऊपर पांच ही बना लूंगी ऐसे। ठीक है, ये वी के ऊपर बनाने के बाद मैंने आगे स्टार्ट किया है अपना, जो लास्ट में पांच हैं उसके ऊपर बना दिए हैं पांच। वापस मुड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने पांच के ऊपर दोबारा पांच बना के मैं इस तरफ आई हूँ। अब एक हम चैन लेंगे और यहाँ पे फिर अपनी वी बनाएंगे। सबसे पहले होल में पिछली बार हमने यहाँ पे नहीं बनाई थी, अब बनाएंगे। दो जंजीरें लेंगे, दोबारा फिर वहीं पे निकालेंगे। ठीक है, जो हम बीच में वी बनाते हैं शुरू में बनाई है, अब एक जंजीरी लेके ये पहले वाला छोड़ के दूसरे वाले में ये जो वो हमने नौ निकाले थे वो हैं हाफ बनाएंगे। एक क्रोशी में रहेगा, धागा ऊपर करेंगे, नेक्स्ट हाफ बनाएंगे, दो हाफ बनाएंगे, ये हमारे तीन बन गए। क्रोशिया ऊपर, सिर्फ आधा ही निकालना है हमें, दो निकालने एक बीच में ही रखना है। हम ये सात लूप लेंगे, साइड वाली एक एक लूप छोड़ देंगे, हमारी ये नौ लूप है। देखिए दो चार छः बन गए हमारे, एक और ले लेंगे और ये सात। देखिए हमने आधे आधे बना के बाकी हमारे क्रोशिया में है, ऐसे लेके सभी को इकट्ठा निकालेंगे, एक बार बंद कर देंगे। निकालने के बाद बंद कर दिया, एक जंजीरी लेंगे। अब ये जो हमारे बीच में जगह हमें मिलती है, ये दो पफ बनाने के बीच में जगह जो होती है वहाँ पे हम अपनी दोबारा फिर वी बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो जंजीरी और दोबारा फिर वहीं पे, फिर एक जंजीरी और एक, ये जो हमने नौ निकाले हैं पहला छोड़ के दूसरे के ऊपर, एक बाकी हमारा क्रोशिया में रहेगा, दोबारा फिर धागा उठाएंगे ऊपर और ये दो आधे आधे निकालने हमें, पूरा नहीं कंप्लीट नहीं करना। ये तीन, ये चार पांच, ये छः, दो चार छः और ये सात। ठीक है, देखिए मेरे सात हो गए हैं। अब हम सभी को इकट्ठा ऐसे निकालेंगे और एक इसमें बंद कर देंगे, एक जंजीरी लेंगे, अगली नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पे अपनी फिर वही वी बनाएंगे। एक दो जंजीरी बीच में और ये वी, हमारा सेम वही डिज़ाइन चल पा जो शुरू में हमने बनाया था। और फिर यहाँ से इसी तरह आधा आधा निकालना है, ज़्यादा निकालना। ये देखिए हमारे ऐसे बबल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो है, सेम हम ये ऐसे ही रिपीट करेंगे। एक बार तो हम नौ निकालेंगे बीच में, इस बीच वी के बीच में, और दोबारा जब हम वी के ऊपर बनाएंगे तो सात लेके इस तरह आधे आधे बनाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें ये सेकंड कलर भी आपको कंप्लीट करके
फिर दिखाती हूँ। देखिए हमें 7 उठाने हैं, साइड का एक एक छोड़ देना है, ये 9 है, 9 में से हमें 7 ही लेने हैं। ये देखिए सभी को इकट्ठा निकाल के ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक जंजीरी लेके यहाँ पे वी बनाएंगे, बीच में 2 जंजीरी, दोबारा फिर वहीं पे भी। ये मैं आपको कंप्लीट करके इसी तरह डिज़ाइन फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे से वी बनती जा रही है, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसी वी नहीं बनाई थी, अब हम 5 के ऊपर 5 बनाएंगे अपने, ठीक है। शुरू में हमने बनाई थी इस तरफ, ये देखिए इस तरफ हम बना के छोड़ के आए हैं इसको। जब दोबारा जाएंगे इस तरफ भर लेंगे इसको, इस तरफ हम नहीं बनाएंगे। अब हम 5 के ऊपर सीधा ये हुक बना के 5 के ऊपर 5 बना लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर सेकंड कलर लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये हम 5 लास्ट में सिंपल सीधे बनाएंगे, आप देख लीजिएगा आपके कैसे 3 भी आ सकते हैं लास्ट में। ये सेट करने के बाद ये मेरे 5 बन गए। अब मैं यहाँ इस धागा कट कर दूँगी, अपना लास्ट कलर ले लूँगी जो भी हमने अगला कलर चाहिए, ऐसे घुमा के यहाँ पे मैं अपना सेकंड कलर लगा लूँगी। मैं येलो लगाऊँगी इसके बाद, आप देख लीजिएगा कोई भी लगाइए, ठीक है। ऐसे लगा के इसको बीच में ही रख लेंगे, चाहे नोट लगा के रख लीजिए। इसी तरह से बीच में रखते जाएंगे धागे को, ये 3 जंजीरी बना के अगला ऐसे शुरू कर लेंगे। पांच के ऊपर 5 ही बनाएंगे। इस तरफ हमने वी नहीं बनाई है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे वी नहीं बनाई, अब हम बनाएंगे वी। एक बार नहीं बनाते और एक बार बना लेते। 1 2, अगर हम हर बार बनाएंगे तो हमारे बढ़ते जाएंगे। एक जंजीरी हमें वी बना के छोड़ दी, अब जो हमने आगे वी बनाई हुई है इसके बीच हम फिर अपने 9 भर लेंगे। बस हमें इसी तरह रिपीट करते जाना है। ये मैं 9 भर के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। देखिए मेरे 9 बन गए हैं, अब अगली वी के पास जाएंगे, इसमें 9 भरेंगे। इसी तरह मैं ये कलर भी कंप्लीट करूंगी। ये देखिए जब वापस आऊंगी तो इनके ऊपर ये वाला हम डिज़ाइन बनाएंगे, 7 बना के एक करने वाला, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करके आपको कलर फिर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है, मैं दोबारा 5 बना के यहाँ पे आ गई हूँ। अब हम ये रो फिर वैसी बनाएंगे, पहला छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में आधा निकालेंगे ऐसे, ठीक है। क्रोशिया ऊपर रख के फिर आगे जाएंगे, आधा निकालेंगे ऐसे, पूरा नहीं निकालेंगे, क्रोशे में इकट्ठे करते जाएंगे, सिर्फ 2-2 ही निकालेंगे। ये साइड वाला एक एक छोड़ना है हमें, लास्ट वाला छोड़ेंगे। 9 है हमारे नीचे, हमें सिर्फ 7 ही लेने हैं, 2 4 6, ठीक है। ये 7 इनको ऐसे इकट्ठा निकाल के ऐसे बंद करना। एक हमें जंजीरी लेनी है और यहाँ पे फिर हम अपने वी बनाएंगे, 2 जंजीरी बीच में लेंगे, दोबारा फिर वहीं पे, ये देखिए एक जंजीरी लेके ये पहले वाला छोड़ के दूसरे वाले, फिर ऐसे ही ये रो भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। बस आपको कलर चेंज करते जाना है और डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक बार हमें निचली रो फेरनी है, उसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। बस हमें सारा फुल नहीं निकालना, आधा आधा निकालना है। हमारे 3 में से हम सिर्फ 2 ही निकालेंगे और 7 बनाएंगे ऊपर, दोनों तरफ एक एक छोड़ के इकट्ठा करते जाएंगे ऐसे। एक बार बंद कर दिया, एक जंजीरी और फिर यहाँ पे वी बनाएंगे। इसी तरह हम चौड़ाई बढ़ाएंगे, इसी तरह ऊपर से लंबाई मैं और बढ़ा के आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट कलर चेंज कर लूँगी, एक कलर की 2 रो ही निकलती है हमारी। ये देखिए बड़ा प्यारा हमारा डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, येलो वाला कलर हम कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने वाइट कलर से, जब मैंने शुरू में यहाँ पे कोई वी नहीं बनाई, अब हम अपने घेरे की ऊपर से चौड़ाई कम करेंगे। यहाँ पे मैंने कोई वी नहीं बनाई, भूल में मेरी पिछले बार यहाँ पे वी बन गई थी, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी, लास्ट में जोड़ लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब होगा। देखिए मैंने ऐसे ही लास्ट में जोड़ दिया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, एकदम ठीक है। देखिए मैंने वाइट कलर से डिज़ाइन कम्प्लीट करके अब मैं लास्ट में यहाँ पर भी कोई वी नहीं बनाऊँगी। ठीक है, अब सीधे अपने पाँच के ऊपर जोड़ दूंगी ऐसे जाके। यहाँ पे वी के ऊपर मैंने ये अपना भरा है डिज़ाइन, इसके बाद मैं सीधा पाँच के ऊपर जाके ये दिखाती हूँ आपको सामने आके, ये पाँच के ऊपर पाँच बनेंगे। दोनों तरफ ऐसे ही चल रहे हैं हमारा डिज़ाइन, अगर आपके चार आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले हमारे ब्लू हैं, हमारे गिनने में आठ आए हैं, ये आठ आठ चल रहे हैं तीनों, अब ये हमारे सात रह गए। हमने थोड़ा कम अपने ये ऊपर से चौड़ाई कर ली है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात रह गए, ये हमारे आठ आठ आ रहे थे नीचे से। अब हम अपने घेरे की चौड़ाई कम करेंगे, ऐसी चौड़ाई आप मिन के नापिएगा जितनी आपको चाहिए। ठीक है, मैं देखिए कम करने लगी हूँ, यहाँ पे मैं नई वी नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे ही मैं इसके ऊपर से ही ये वाला डिज़ाइन ऐसे शुरू कर दूँगी। नौ के ऊपर सात निकालेंगे, हाफ हाफ निकालेंगे, जब हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे उनको हम सभी को इकट्ठा निकाल देंगे। ठीक है, निचले हमारे नौ हैं, बस हमें लास्ट में एक एक छोड़ना है, अगर फालतू ही पड़ जाए तो देख लीजिएगा, लास्ट वाला एक छोड़ दीजिएगा, इसे बंद करके यहाँ पे हम अपनी नई वी बनाएंगे। हमने शुरू में नहीं बनाई, अब हम कम कर रहे हैं अपने घेरे के ऊपर से चौड़ाई, दो जंजीरी लेके दोबारा वहीं पर निकालेंगे। ये रो भी इसी तरह कम्प्लीट करूँगी मैं अपनी। ठीक है, पहला छोड़ के दूसरे में, ये देखिए हमारी चौड़ाई कम होगी ऊपर से, इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ, अब हम नया इस तरफ भी नहीं बनाएंगे वी। ठीक है, सीधा इस तरफ से ऐसी जोड़नी हमारी यहाँ वी बनती है, नहीं बनाएंगे अब इसको, सीधा लास्ट में पाँच के ऊपर पाँच बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा कलर कम्प्लीट हो गया है, सेकेंड कलर दिखाती हूँ आपको लगा के। देखिए बड़ा प्यारा हमारा माता रानी का घेरा बनेगा, एकदम बबल्स वाला। देखिए अगला कलर मैंने रेड लिया है, पांच निकाल लिए मैंने, अब सीधा मैं इसको छोड़ के वी के पास जाऊंगी। यहाँ पे हम कुछ नहीं बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे अपने ऐसे नौ बार निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा अंदर की ओर होने लगा है लहंगा, देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आया है। अब यहाँ से मैं सीधा नेक्स्ट वी पे जाऊँगी, जो हमने बीच में वी बनाई है इसको भर लूँगी। ठीक है, ये पूरी इस रो इसी तरह कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे कम किया, अब लास्ट में हम मैं यहाँ पे फिर नहीं बनाऊँगी, लास्ट में मैं इन पांच के ऊपर सीधा ऐसे जाके जोड़ दूँगी। ठीक है, हमने नया नहीं बनाया था वी, अपने नई शुरू नहीं की थी, ये डिज़ाइन बनाने के लिए पहले वी बनानी पड़ती है, हमने इस बार वो नहीं शुरू की है नई वी। ये मैं आपको इस तरफ आके दिखाती हूँ, देखिए मैं इस तरफ घूम के आ गई हूँ, अब यहाँ फिर हम वही डिज़ाइन डालेंगे। ये मेरे अब छः रह गई हैं, सबसे पहले आठ थे तीन रो में, फिर ये सात बन गए, अब ये छः हैं, अगली बार ही मेरे पास पाँच रह जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दो कलर और लगा के फिर ऊपर दिखाती हूँ आके, बस हमें सेम उसी तरह बनाते जाना है। ये हम हाफ ही निकालेंगे दूसरी से, दूसरे हाथ में सभी को हाफ कर निकाल के फिर लास्ट में इकट्ठा निकाल देंगे सभी को। हमारे भी तीन फंदे हो जाते हैं, तीन में से दो ही निकालने हैं हमें, कई बार हमारे ये नीचे ज़्यादा पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, आप सभी बना लीजिएगा, साइड वाले एक एक छोड़ दीजिएगा। ये देखिए ऐसे खींच के एक बार और बना के यहाँ पे नई वी शुरू कर लीजिएगा, दो बीच में जंजीरी आती है हमारी, फिर वहीं पर बनाएंगे एक जंजीरी लेके, फिर अपना ये पफ बनाएंगे ऐसे कंप्लीट करके, एक और कलर लगा के फिर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाइट कलर, एक दो तीन चार, हमारे पांच ही बबल्स बने हैं वाइट कलर से, इससे पहले हमारे ये छः बने थे, सात थे, और ये तीन हमारे आठ आठ बने थे। ठीक है, अब ये जो मैंने पांच निकाले हैं, पहले हम ये नौ नौ निकालते थे, अब मैंने ये सात सात ही निकाले हैं, इसके ऊपर मैं पांच पांच निकालूंगी, मुझे अपनी ऊपर से घेरे की चौड़ाई कम करनी है। ठीक है, ये मैंने पाँच निकाल के बंद किए हैं, अब जो हम वी बनाते थे वो वी की जगह हम ऐसे सिंपल अपने ये दो निकाल लेंगे, ऐसे बीच में हम नई वी तैयार नहीं करेंगे, हम कम करेंगे अपने डिज़ाइन को। ठीक है, अब कोई इसमें जंजीरी भी नहीं लूँगी मैं, अब ये छोड़ के ये मैंने पास
सात निकाले हैं, पहले हम नौ निकालते थे, मैं कम कर रही हूँ, अब एक छोड़ के बीच में से उठाएंगे, ये मैं पाँच निकाल लूँगी, ठीक है। ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करूँगी मैं, अब ये मैं पाँच निकालूँगी। ये देखिए पहले हमने ये सात निकाल थे कि ऊपर वाले, निचले वाले हमारे नौ थे, अब निचले वाले सात हो गए, ऊपर वाले हमारे पाँच हो गए। कोई जंजीर ही लूँगी बीच में मैं, और ना ही मैं यहाँ पे कोई जंजीर लूँगी, जो वी के बीच हम दो जंजीरी लेते थे वो नहीं लेंगे। बस इसी तरह मैं अपने ये डिज़ाइन में बंद करने लगी हूँ, बस यहाँ पे हमें लंबाई और नहीं चाहिए। आप देख लीजिएगा जब आपकी लंबाई पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम ये अपना डिज़ाइन कम करेंगे, ठीक है। कि लास्ट में ये जुड़ गया शायद, ऐसे निकाल के ये देखिए ये हमारे घेरे की काफ़ी लंबाई अंदर चली जाएगी। दिखाती हूँ आपको ये रो कंप्लीट करके, देखिए मैं लास्ट में इसको ऐसे ही जोड़ दूँगी। बस हमारा ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। पिछली रो में आके दिखाती हूँ मैं आपको, हम ये अपना डिज़ाइन बंद करेंगे। देखिए मैं घूम के पीछे आ गई हूँ, पाँच मैंने निकाल लिए हैं। अब जो हमने ये डिज़ाइन बनाया था इसके ऊपर से हम एक उठाएंगे, जो हमने सभी जोड़े थे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना हम धागे को, छोटा ही रखेंगे। उसके आगे से ये हमने डबल निकालते, उसके पहले एक उठा लेते हैं। बस आप ये देखिए आपके यहाँ होल ना बन जाए, उस हिसाब से आप ये फंदे उठाइएगा। दो के एक ऊपर उठाए, एक साइड में उठा लीजिए, ये देखिए ऐसे। अब ये हमने डिज़ाइन बंद किया था, इसके ऊपर से निकाल लेते हैं एक। ज़्यादा नहीं खींचना अपने धागे को, ये कमर पे आ जाएगा ऊपर। ये देखिए हम ऐसे ही फंदे उठा लेंगे अपने, ये रो भी इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ऐसे दो हमारे वही उठ रहे हैं और एक ऊपर से उठ रहा है, जो हमने धागा पूरे इकट्ठे बंद किए थे वहाँ से उठा लेंगे, और एक इसके साइड में से उठा लेते हैं। बस हमें ज़्यादा देखना है कि हमारा होल ना बन जाए, एकदम सफाई में आनी चाहिए ये रो हमारी। दो के ऊपर दो ही उठा लेंगे, और जो हमने धागा खींच के बंद किया है उसके ऊपर से उठाएंगे। ये टाइट सा है थोड़ा सा, एक उसके पास में से उठाएंगे, दो से पहले और एक दो के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये लास्ट वाले पांच आ गए हैं, ये इसके ऊपर से उठा लेंगे जो हमने डिज़ाइन खींच के बंद किया है। अब ये हम ऐसे ही बना लेंगे पांच के पांच। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको, देखिए हमारे घेरे की काफ़ी चौड़ाई कम होगी ऊपर से। देखिए हमारे घेरे की लंबाई साढ़े पाँच हो गई है ऊपर की तरफ। अब चौड़ाई हमारे पास है, देखिए ये पाँच है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से दो फंदों का एक बना के कम कीजिए। अगर इतना ही रखना है जितने हमारे पास फंदे हैं, हम दो ऐसे ही दो रो निकाल के अपने लहंगे की लंबाई को बंद कर देंगे। अगर आप कम करना चाहते हैं, देखिए ऐसे कीजिए, एक फंदा यहाँ पर बनाइए। अगर आपकी ऊपर से कम है कमर, एक बन गया इसको निकालिएगा मत, एक आगे से बनाएंगे, आधा कंप्लीट करेंगे, इन तीनों का एक बना देंगे, ये हमारी ऊपर से चौड़ाई कम हो जाएगी। अब देखिए एक हम सिंपल बना लेंगे, अब आगे जाएंगे, एक को हम आधा बनाएंगे, निकालेंगे नहीं क्रोशे से, दो हमारे पास हैं दोबारा लेंगे, आगे जाएंगे, उसको पहले आधा बनाएंगे, अब तीन रह गए, तीनों का एक बना देंगे, ठीक है। ये हमारा दूर भी नहीं होगा, एक सिंपल बना लेंगे। ये ऊपर से अगर आप चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो कीजिएगा, वरना ऐसे ही जितने हमारे फंदे हैं इसी तरह दो सिलाइयाँ निकाल के बंद कर लीजिएगा। एक सिंपल बनाएंगे और आगे दो का एक बना देंगे, कि ऐसे आधा निकालेंगे, तीन फंदे होते हैं दो ही निकालेंगे, लास्ट में तीनों का एक कर देंगे। ये आपको तब करना है अगर आपको पाँच इंच से कम चौड़ाई चाहिए ऊपर, साढ़े चार या चार, ठीक है। देखिए हमारी काफ़ी चौड़ाई कम हो गई है, दो फंदे और कम कर लेंगे हम। अब तीनों का एक करेंगे,
लास्ट में ये हम ऐसे ही बना लेते हैं। अगर करना है तो एक कर लीजिए यहाँ पे, बस आपको देखना है कि आपके ऊपर कमर कितनी है। आपके पास पुराना होगा लहंगा उसके हिसाब से, या कॉटन का होगा उसके हिसाब से मिनके बनाइएगा। ये देखिए हमें इतनी हमारी काफ़ी कम हो गई हैं, अब हमारे पास चार ही रह गई है। ये देखिए ठीक है, 4.5 हैं। ठीक है, मैं एक और हाथ निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरी लंबाई पूरी हो गई है। अगर आप और ऊपर से दो हाथ फेरना चाहती हैं तो फेर लीजिए। एक ऐसे बना के एक बार यहाँ से कट कर देंगे डोरी डालने के लिए। देखिए हम एक डोरी तैयार कर लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है, ठीक है, बहुत ही प्यारे बबल्स आएंगे। ये देखिए ऐसे लंबाई चौड़ाई आप देख के रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं डोरी बनाऊंगी एक, इस तरफ हम इतना लंबा धागा छोड़ेंगे, इस पर हम बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। इतना धागा इस तरफ छोड़ के जंजीरी बना लेती हूँ मैं। जितनी आपको जंजीरी चाहिए उतनी बना लीजिए ऐसे ही, ठीक है। लंबाई बढ़ा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने काफ़ी लंबी बना ली है। हमारी माता रानी की कमर काफ़ी मोटी होती है इस तरफ से। देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के इसके ऊपर से हमें घुमाना है, बीच में नहीं निकालना, ऊपर से घुमा के ऐसे गोल कर लेंगे। ये हमारे पास ऐसे बन जाता है देखिए होल। अब एक दो जंजीरी लेके इस पूरे होल को मैं ऐसे भर लूँगी डबल क्रोशिए से, ऐसे भर लूँगी। 15-16 बार निकलेगा हमारा, ये दिखाती हूँ आपको निकाल के, ठीक है। देखिए जब हम इसको भरते हैं तो ऐसे हो जाता है ये, ऐसे खींचेंगे एक तरफ से। पूरा भरने के बाद ऐसा खींचिएगा, देख लीजिएगा कमी तो नहीं, नहीं और बना दीजिएगा। अब सबसे पहले वाले में ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, एक जंजीरी बना के कट करेंगे। इसको क्रोशिया की मदद से अंदर ही छुपाएंगे धागे को ऐसे, ठीक है। अब इस तरफ हमने नहीं बनाया, इस तरफ से हम अपने धागे को लहंगे में डालेंगे। देखिए ऐसे एक होल ऊपर छोड़ देते हैं, एक दबाएंगे ऐसे, एक उठाएंगे। देखिए प्लीज़ आपको लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी होगी, मेरे पास माता रानी जी नहीं है। और ऐसे इसको अंदर डाल लेंगे, ठीक है। ये पूरा जो हमने धागा फालतू छोड़ा है वो भी इस तरफ खींचेंगे। ये देखिए एक तरफ हमने ये बना लिया। अब एक तरफ हम ये धागा छोड़ा था, इससे ये सेम उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे हुक में डाल के ऊपर से घुमा के ऐसे ही भर लेंगे, ठीक है। ऊपर से घुमाइएगा, अंदर से नहीं, खींचे नहीं होगा फिर बाद में। अब ये भी मैं इसी तरह आपको भर के फिर दिखाऊंगी, ठीक है। उसे इसी तरह भरना है हमें, ओके। देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों तरफ ये बन गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चुन्नी जो चोली बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ओके।